ओके हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। दिस इज मी कैप्टन संतोष कुमार, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। बड़े दिनों बाद फिर से रिटर्न आया हूँ अपने पिछले टॉपिक के साथ, मल्टीलेवल मार्केटिंग के जो भी मैम बात कर रहे थे उससे। इससे पहले मैंने 3-4 वीडियोज डाली थी, और फिर से मैं एक बार रिटर्न आया हूँ नेटवर्क मार्केटिंग पे कुछ बात करने के लिए। पहले से मैंने पहले बात की थी कि किन के लिए है, किन के लिए नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, बस इतना थोड़ा सा इंट्रो हुआ था। इससे आगे मैं आज बताने वाला हूँ कि मैंने एक वीडियो डाली थी कि नेटवर्क मार्केटिंग से स्टूडेंट्स को क्यों दूर रहना चाहिए। स्टूडेंट्स को रियली दूर रहना चाहिए, बट कुछ एक ऐसे भी हुए जिन्होंने कहा कि आखिर क्यों आप ऐसा क्यों कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से स्टूडेंट्स को दूर रहना चाहिए। पर मैंने उसमें उस वीडियो में मैंने रीज़न बताया भी था, बट पता नहीं क्या है, क्या हुआ नहीं हुआ। कल जो मेरी एक टीचर से बहस हो गई, नेटवर्क मार्केटर है वो, मेरे मतलब एक अच्छे फ्रेंड भी है, बट उन्होंने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने वो कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि आखिर क्यों नेटवर्क मार्केटिंग अगर है स्टूडेंट्स के लिए तो क्यों है। मैंने बताया था कि क्यों नहीं है, बट फिर से मैं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स अगर आप स्टूडेंट्स में आते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपकी पढ़ाई अभी चल रही है, तो प्लीज़ 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 नेटवर्क मार्केटिंग से दूर रहें। पिछली वीडियो में मैंने बताई थी रीजंस, तो अगर आपने नहीं देखा तो मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि आखिर क्यों ये नहीं करना चाहिए, मेरी सोच इसके प्रति क्या है कि स्टूडेंट्स के लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। मैं जिनसे अगर मिल रहा था वो एक टीचर हैं, एज वेल एज वो एक स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वो अभी उनका चल रहा है, जॉब के लिए वो अप्लाई करते हैं, कम्पीट कर रहे हैं, बट वो कर क्या रहे हैं, कॉम्पिटिशन भी कर रहे हैं, टीचर भी हैं और नेटवर्क मार्केटर भी हैं, और ये तीनों वो कर रहे हैं। और भी वहाँ पर लोग थे जिनसे मैं कल मिल रहा था, वहाँ पे IIT ट्रैकर भी थे जो मतलब कुछ एक दिन NIT में पढ़ के आ चुके हैं, वैसे स्टूडेंट्स भी थे। मतलब मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक बार चले जाते हो तो आपको सपने दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि इतने छोटे से टाइम में आप इतने बड़े बन जाओगे, पर ऐसा कुछ होता है नहीं। मैं इसके बाद एक वीडियो डालने वाला हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में कितने परसेंट लोग पैसे कमा पाते हैं, कौन से लोग पैसे बना पाते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा क्या फंडा बनाना, पैसे बनाने का फंडा इसमें है क्या। यहाँ पे जो बात है स्टूडेंट्स के लिए क्यों नहीं है, एक बार अगर आप उस फील्ड में चले जाते हो तो उससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप सोचते हो कि पार्ट टाइम में उसे कर लेंगे, पर ऐसा होता नहीं। जो टीचर थे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उनका ये सोच हो जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग आप कर रहे हैं तो टीचर जहाँ पे आप पढ़ाने जा रहे हैं वहाँ के स्टूडेंट्स को भी वो अपने कंपनी में इनरोल करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग ही करना, टीचिंग प्रोफेशन छोड़ दे, प्रोफेशन अपना चेंज कर लेना, टीचर क्यों लगा रहे हैं अपने आगे। पर ये होता है प्रॉब्लम, यंगस्टर्स मेरे को लगता है यंगस्टर्स के पास इतनी एनर्जी है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग के पीछे क्यों भाग रहे हैं। अगर मैंने उस टीचर से कहा कि अगर आपके घर में एक अच्छा छोटा सा बच्चा है या फिर आपके बड़े भाई एक अच्छे नेटवर्कर हैं तो आपको कभी सजेस्ट नहीं करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आने के लिए, क्यों? रीज़न क्या है, क्यों आपको सजेस्ट नहीं करते हैं? आप दूसरे को सजेस्ट कर देते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है, बट अपने घर वालों को सजेस्ट नहीं कर रहे, घर के बच्चों को सजेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है दिस इज नॉट द बेटर फील्ड फॉर स्टूडेंट्स, फॉर द यंग वंस। यूथ के लिए ये एक सही फील्ड नहीं है, यूथ में कर गुजरने की एबिलिटी है, उनमें वो जोश है, वो कुछ कर सकते हैं, तो वो जोड़ने घटाने के फंडे में क्यों पड़े। हाँ, मैंने कभी नहीं कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी नहीं है, गंदी है, बट स्टूडेंट्स के लिए ये सही नहीं है। स्टूडेंट्स का जो गोल है, जो भी उन्होंने फोकस कर रखा है उसको वो टारगेट करें, दैट्स द बेटर वे फॉर देम, दैट्स द बेस्ट वे, वही सबसे अच्छा तरीका है, वही सबसे अच्छी चीज़ है उनके लिए। अब जो रिसर्चर बनना चाहते थे वो बन नहीं पाए, कल अगर वो कंपनी अपनी खोलनी चाहे तो रिसर्चर्स उन्हें ढूंढने पड़ेंगे, डॉक्टर्स उन्हें ढूंढने पड़ेंगे, लॉयर्स ढूंढने पड़ेंगे, CAs ढूंढने पड़ेंगे कि कौन मेरा कंपनी चला सकता है, कौन मेरी कंपनी के स्क्रिप्ट्स लिख सकता है, कौन मेरे प्रोडक्ट्स बना सकता है, जबकि वो खुद एक रिसर्चर हो सकता था, खुद एक लॉयर, खुद एक CA वो बन सकता था, बन सकती थी। दिस इज ऑल अबाउट माय व्यू, ये मेरा व्यू है कि स्टूडेंट्स के लिए क्यों नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो बता दें कि स्टूडेंट के लिए सही है, बट मैं कभी नहीं कहूँगा कि स्टूडेंट्स को इस नेटवर्क मार्केटिंग में पढ़ने के लिए। हाँ, जो सोचते हैं कि मैं एबल नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ स्टडीज में, मैं देख एंजॉय, मैं पिछले वीडियो में मैंने ये कहा था कि देख एंजॉय, उनके लिए फिर अच्छा है, जो भी अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो इधर से वो सीख लें। लाइफ लर्निंग, बहुत बड़ी लाइफ लर्निंग होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, आई हैव सीन दैट, मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखा है।
can do anything. But they have, but some students have the potential that they can do anything in their studies. They should continue their study. They should focus on their goal, and they must not go to the network marketing. Thank you. This was the all. And I will request to the students, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने कुछ रीज़न इसमें मिला आपको कि आप क्यों ना करें नेटवर्क मार्केटिंग, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें. मैं अपने पॉपुलर होने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें. मैं नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करो, बट ये वीडियो दूसरों को दिखाओ ताकि वो क्लियर हो जाए. जो भी नेटवर्कर्स आपके पास आते हैं उनको आप ये दिखा पाओ कि एक रीज़न है हमारे पास कि हम क्यों ना ज्वाइन करें नेटवर्क मार्केटिंग. आप जो सपने दिखा रहे हो वो मैं 3 साल बाद 5 साल बाद वैसे भी अचीव करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, तो मैं इधर से ही करूँगी, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूँगा. थैंक यू.